और चलिए आगे बढ़ लेते हैं। संभल से खबर सामने आ रही है। संभल के सराय तरीन में बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सपा कार्यालय और एक सपा नेता पूर्व मंत्री के यहां पर बिजली चोरी करते हुए पकड़ लिया। वहीं बिजली विभाग की टीम ने सपा ऑफिस पर हो रही बिजली चोरी पकड़ी है, जिस पर सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष फिरोज खान का स्वामित्व है। दूसरा मामला पूर्व मंत्री और मौजूदा सपा नेता आपको बताते चले कि अकीलुर रहमान के बिजली विभाग ने 4000 वॉट से अधिक की बिजली चोरी पकड़ी। वहीं बिजली विभाग की कार्रवाई का ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। फिलहाल बिजली विभाग थैप्त थाना में अलग अलग केस दर्ज कराए हैं, बिजली विभाग की ओर से दर्ज कराए गए हैं। वहीं बिजली विभाग ने पूर्व मंत्री के घर पर 1,80,000 रुपए जुर्माना लगाया है। नवीन गौतम साहब है, उसी के अलावा संभल जो एसडीओ है यहाँ पर एस त्रिपाठी, ये सब दोनों की टीम के नेतृत्व में संभल में वर्क कर रहे थे। उसके तहत एक बड़ा जिस तरह से खुलासा, हम इसको खुलासा ही कहेंगे, जिस तरह से बिजली विभाग का होता है, और उसने यहाँ पर फिरोज खान जो समाजवादी पार्टी के कार्यालय जो पूर्व जिला अध्यक्ष है उनके कार्यालय पर छापेमारी की, क्या वजह रही। इसके अलावा जो पूर्व मंत्री है उनके भी पेट्रोल पंप गए थे, वहां भी किया है। फिलहाल ये जिस तरह से जो खबर आपको जो हमारे साथ देख रहे हैं सर से, आप बात करेंगे कि आखिर किस तरह से चेकिंग की, क्या अभियान आगे जारी रहेगा। सर जिस तरह से आपने चेकिंग करने पहुंचे थे तो जो दो नाम सामने आए हैं उन दोनों की छापेमारी की है, ये एक मैसेज समाज के लिए जाता है कि चाहे कोई भी हो किसी तरह से बख्शा नहीं जाएगा, उनको वसूला किया जाएगा, क्या मामला है सर। एक्चुअली हम लोग इस समय हमारा जो है अभियान चल रहा है, कॉमिक अभियान चल रहा है, उसके तहत हम लोग हाई लॉस एरिया वगैरह में घर से छोटे रोज जाते हैं, चेकिंग अभियान चला रहे हैं। इसी तरह हम लोग सराय तरीन हमारा एरिया है, सराय तरीन में हम लोग चेकिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे एक अखिलेश जी के यहाँ पे हम लोगों ने चेकिंग किया, उनके यहाँ पे साथी वर्ग भी पकड़ी गई थी। मैं पता लगा शायद वो पूर्व मंत्री जी हैं अखिलेश रहमान जी के, उनके साथ बेटे हैं, उनका जुर्माना कल हम लोगों ने बनाया था और हमारे थाने में उसकी फरियाद की थी और उनका 1,86,000 के आसपास जमा भी हो गया उनके द्वारा। और इसी तरीके से अभियान से हमने आज भी चेकिंग की, तो आज बैजोई रोड पे हम लोगों ने एक परिसर था सपा कार्यालय में लिखा हुआ था, तो उसके यहाँ चेकिंग की, तो वहाँ पे हम अभी हमें एक एसी और समर्सिबल बैट चलते पाए गए गैस इंजन के, लगभग 3500 वाट के आसपास चोरी वहाँ पे चलती पाई गई थी। इसके अलावा उसके बैक साइड में भी दो और परिसर थे जहाँ पे कुछ बोन से मैनुफैक्चरिंग का काम होता है, तो वहाँ पे भी चोरियाँ पकड़ गई, टोटल मतलब 8 किलो वाट के अलग अलग चोरियाँ अभी पकड़ी गई। अरे फिलहाल जिस तरह जो मैसेज सर ने बताया कि संभल में जिस तरह से लगातार अभियान डोर टू चलता रहेगा, जिसमें कि फिरोज खान जो पूर्व समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं उनके वहां पर बिना मीटर के बिजली पाए गए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसी के साथ मैं एक मैसेज फॉलो करना चाहता हूं आपको, जिस तरह से मेरे साथ एस त्रिपाठी जो कि यहां के संभल के एसडीओ हैं, लगातार वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं सर, कि आगे क्या मैसेज देना चाहते हैं जिस तरह से अभी चोरी का मामला संभल में आया है। आगे मैसेज एकदम क्लियर एंड साफ है कि कोई भी बिजली की चोरी करना लोग बंद कर दें, और इस समय RDSS योजना में विभाग द्वारा जो जर्जर केबल वगैरह हैं, तार हैं, उनको बदला जा रहा है, पुराने जो सर्विस केबल वगैरह जिनके खराब हैं और जो मीटर खराब हैं उनको स्मार्ट मीटर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो सरकार इतने पैसे खर्च कर रही है ताकि इस लाइन लॉसेस को कम किया जा सके और विभाग के राजस्व में वृद्धि हो सके। फिलहाल जिस तरह से लगातार इस तरह का लगातार जिस तरह से एक मैसेज फॉलो करना चाहते हैं कि लगातार आप अगर बिजली चोरी करते हैं तो ये दोनों तस्वीरें देखकर होशियार हो जाइए, अब कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल योगी सरकार जिस तरह से कोई आपको सुविधाएं मुहैया करा रहा है, लेकिन जिस तरह से बिजली विभाग का काफी राजस्व जिस तरह लोगों पर है, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो या जिस तरह कार्यालय, उनको तुरंत भुगतान करने की कोशिश करें। फिलहाल बड़ी कार्यवाही संभल के बिजली विभाग की आई है, जिसके बाद अब राजेश गरिया से लेकर आम पब्लिक का हड़कंप मचा है। के साथ दानिश न्यूज और इंडिया संभल यहाँ पर। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मुजम्मिल दानिश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुजम्मिल, बड़ा सवाल ये कि 12 साल से बिजली चोरी हो रही थी, क्या बिजली विभाग को ये जानकारी नहीं थी? क्योंकि सरकार की मंशा है कि जिस तरह से जो अवैध कटिया कनेक्शन चला रहे हैं और जिन पर पैसा है वो बकाया राजस्व, तो डोर टू डोर अभियान के तहत ये प्रोग्राम चला, जिसके तहत जब छापेमारी की है, छापेमारी के दौरान सबसे पहले
पूर्व मंत्री अकुल रहमान के निवास पर छापेमारी की, जहां पर एसी और उसके अलावा चराए हुए कनेक्शन मिले, एक तार अलग से पड़ा हुआ था। फिलहाल हत्या उनको 1,80,000 का नोटिस दिया गया, जिसके बाद उन्होंने तुरंत जमा किया और उनके बेटे के आमिर अखिल जो है उनका मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष फिरोज खान के खिलाफ मुकदमा जहां चक्की की उनके कार्यालय पर किया गया, उनके फिर घर पर भी किया, जहां पर पूरी तरह से एक कारखाना चल रहा था और बिना कनेक्शन के बिना तारों के ये काफी समय से इनकी लाइट कटी हुई थी। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं बिजली विभाग की भी लापरवाही नजर आती है। अगर चेकिंग अभियान चल रहा था तो किस तरह से वहाँ केबिल चल रहे थे, किस तरह से हर महीने मीटर रीडिंग हो रही थी, या मीटर था नहीं था, ये भी सवाल यह निशान उठा है। लेकिन फिलहाल बड़ी कार्रवाई इसलिए हम बताते चले कि जिस तरह से 12 साल से लगातार कनेक्शन नहीं था और बिजली चल रही थी, आखिर क्या वजह थी? क्योंकि लगातार चर्चाओं में समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष वो रहते हैं, लगातार इससे पहले भी एक अभियान उन्होंने बिजली खिलाफ के चलाया था, जो रात को जलाएंगे और बिजली नहीं आएगी। फिलहाल 54 लाख रुपए का जुर्माना का नोटिस दिया गया है और इन पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है और लगातार जांच पड़ताल करें। लेकिन फिलहाल जिस तरह से 54 लाख का जुर्माने की बात की गई। ठीक है मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।